फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है आपका नेक्स्ट टेस्ट पेपर। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये सभी आपके आने वाली ZP फार्मासिस्ट, छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट और सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपका जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस भी यही है, तो उसके लिए भी ये आपको यूजफुल होने वाले है। और इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे सीधे आंसर्स देखेंगे ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हीमोस्टैटिक फोरसेप्स आर ऑल्सो नोन एज, हीमोस्टैटिक फोरसेप्स आर ऑल्सो नोन एज। तो क्या बोलते हैं हीमोस्टैटिक फोरसेप्स को? ऑर्डिनरी फोरसेप्स, मोनिहेंस फोरसेप्स, स्वैब होल्डिंग फोरसेप्स के आर्टरी फोरसेप्स। हीमोस्टैटिक फोरसेप्स आर ऑल्सो नोन एज आर्टरी फोरसेप्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना बिलोंग्स टू दी फैमिली ऑफ। तो सेना की फैमिली क्या होती है? स्क्रोफुलरियेसी, बर्सेरेसी, लेग्यूमिनेसी के रैमनेसी। कौन सी होती है सेना की फैमिली? तो सेना आता है लेग्यूमिनोसी फैमिली में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। किसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के मैग्नीशियम सल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। कौन सा होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। कौन सा हो जाएगा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? तो यह होता है एरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन इन्वॉल्व्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज। कोलेजन की बायोसिंथेसिस में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? बायोटिन, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड के पेंटोथेनिक एसिड। द विटामिन इन्वॉल्व्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीथायरॉइड ड्रग। कौन सा होता है एंटीथायरॉइड ड्रग? टोलाजामाइड, मेथिमाजोल, लिवोथायरोक्सिन के क्लोरप्रोपामाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीथायरॉइड ड्रग? तो एंटीथायरॉइड ड्रग हो जाएगा मेथिमाजोल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मेथिमाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। तो किसका साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टलूरिया? क्विनोलिन्स, एजोल्स, सल्फोनामाइड्स के टैक्सोल्स का। किसका होता है साइड इफेक्ट क्रिस्टलूरिया? तो ये साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड्स का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टलूरिया, ठीक। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग। इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 21 अमाइनो एसिड, 31 अमाइनो एसिड, 41 अमाइनो एसिड के 51 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में? तो 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, चेन ए में 21 एंड चेन बी में 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया इज। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया क्लोरप्रोपामाइड, टोलबुटामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइबुराइड। कौन सा होता है लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया? तो ये हो जाएगा क्लोरप्रोपामाइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज। विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी, विटामिन डी, विटामिन ए, ई के बी वन। तो विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज विटामिन डी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज। तो कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं इन द केस ऑफ पॉइजनिंग? सोडियम फॉस्फेट, डाइमरकैप्रॉल, फेरोइन के बिस्मथ सब नाइट्रेट। ए चिलेटिंग एजेंट यूज इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, तो ये होता है डाइमरकैप्रोल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डाइमरकैप्रोल यूज करते हैं एज ए चिलेटिंग एजेंट इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। तो क्या होता है क्लोरिनेटेड लाइम का कॉमन नेम? किसे बोला जाता है क्लोरिनेटेड लाइम? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ब्लू विट्रियॉल के कॉपर सल्फेट। तो क्लोरिनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लू विट्रियल होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू विट्रियल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज नोन एज।
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज। तो क्या बोला जाता है इसे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के ग्लूकोनियोजेनेसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज। तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉटेनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा इज, द बॉटेनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा। तो क्या होता है बॉटेनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा, तो ये होता है रॉल्फिया सर्पेंटिना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द बॉटेनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा इज रॉल्फिया सर्पेंटिना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीफंगल फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, द एंटीफंगल फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पायरिडिन्स, अजोल्स, पायरिमिडिन्स के एक्रिडिन्स। तो कौन से क्लास से बिलोंग करता है फ्लुकोनाजोल, तो ये आता है अजोल्स में, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीफंगल्स के अजोल्स क्लास में आता है फ्लुकोनाजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट विथ वैसोप्रेसिन। इनमें से कौन सा ड्रग वैसोप्रेसिन से इंटरैक्ट करता है, क्लोरोक्विन, क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरपोपामाइड के फिनिटोइन सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन, तो ये हो जाएगा क्लोरप्रोपामाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरप्रोपामाइड इंटरैक्ट्स विथ वैसोप्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार इज ए टाइप ऑफ, काला आजार इज ए टाइप ऑफ जियार्डियासिस, लेशमिनियासिस, हेलमेंथियासिस, सिस्टोसोमियासिस। तो क्या होता है काला आजार, तो काला आजार इज ए टाइप ऑफ लेशमिनियासिस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, लेटेस्ट इन्फेक्शन। तो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, तो ये होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू द अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है, पैनक्रियाटिन, गैस्ट्रिक जूस, इंसुलिन के ग्लूकागॉन। तो अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट करती है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स इज ए स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड इन, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स इज ए स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड इन कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया की डेंगू। तो किसके लिए दी जाती है डॉट्स ट्रीटमेंट, तो डॉट्स ट्रीटमेंट होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डॉट्स इज ए स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड इन ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन इज नोन एज। तो क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको जेनेटिक्स, फार्माको एपिडेमियोलॉजी के फार्माको डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन, तो इसे बोला जाता है फार्माको डायनेमिक्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फार्माको डायनेमिक्स होता है द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, फ्रैक्शनल एक्सटेंट टू विच ए डोज ऑफ ड्रग रीचेस इट्स साइट ऑफ एक्शन, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन लीवर, अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। तो क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फ्रैक्शनल एक्सटेंट टू विच ए डोज ऑफ ड्रग रीचेस इट्स साइट ऑफ एक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डायबिटिक केटो एसिडोसिस विच ड्रग इज गिवन, इन डायबिटिक केटो एसिडोसिस विच ड्रग इज गिवन, रेगुलर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन के जिंक इंसुलिन। तो क्या दिया जाता है डायबिटिक केटो एसिडोसिस में, तो डायबिटिक केटो एसिडोसिस में देते हैं रेगुलर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम आर नोन एज, द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम, तो क्या बोलते हैं इसे, द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम,
कोएंजाइम, आइसोएंजाइम्स, एपोएंजाइम्स के होलोएंजाइम्स, द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम, तो इसे बोलते हैं आइसोएंजाइम्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आइसोएंजाइम्स होते हैं द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू क्लास, स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू क्लास लिपिड्स, वैक्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोटीन्स, तो क्या होते हैं स्टेरॉल्स? तो स्टेरॉल्स आते हैं लिपिड्स क्लास में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेरॉल्स बिलोंग्स टू क्लास लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंटीबायोटिक पजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग इज, तो कौन सा एंटीबायोटिक पजेस करता है बीटा लैक्टम रिंग? पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकॉल। एन एंटीबायोटिक पजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग, तो ये होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में होता है बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ इज, तो कौन सा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज करते हैं एलर्जिक कफ में? रोफेकॉक्सिब, थियोफाइलिन, मोंटिलुकास्ट के लोसार्टन। ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ, तो ये हो जाएगा मोंटिलुकास्ट। मोंटिलुकास्ट एंड जाफिर लुकास्ट, ये दोनों होते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और ए टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्म्ड एज, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और ए टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर, तो क्या बोलते हैं इसे? नियोप्लासिया, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया के डिस्प्लासिया। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और ए टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर, तो इसे बोलते हैं हाइपरप्लासिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री मैच्योर इन्फंट्स इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ फॉस्फेटिडिल सीरिन, लेसिथिन, मायोआइनोसिटॉल, सेफेलिन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री मैच्योर इन्फंट्स इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, तो ये होता है लेसिथिन के एब्सेंस से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री मैच्योर इन्फंट्स इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लेसिथिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एम एल श्रॉप, आर एन चोपड़ा, असीमा चैटर्जी, एच जी खोराने, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एम एल श्रॉप। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी इज एम एल श्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग किसमें आते हैं? शेड्यूल एफ थ्री, शेड्यूल एफ टू, शेड्यूल एफ एफ के शेड्यूल एच। स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आते हैं शेड्यूल एफ टू में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल एफ टू में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन सा एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है? लोपेरामाइड, साइक्लिजिन, प्रोपोक्सीफेन के सिमेटिडिन। एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये हो जाएगा सिमेटिडिन। सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, फेमोटिडिन, ये होते हैं एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट इज, नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट इज, तो कितना होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट? 4 लीटर्स, 1 लीटर, 2.5 लीटर्स के 0.5 लीटर, कितना होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट? तो ये होता है 0.5 लीटर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 0.5 लीटर होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 लीड्स टू, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 लीड्स टू, तो क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 से? तो इससे हो जाएगा पेलाग्रा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेलाग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 होता है नियासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुकवर्म इन्फेस्टेशन इज कॉज्ड बाय, हुकवर्म इन्फेस्टेशन इज कॉज्ड बाय नेकेडर अमेरिकनस, टीनिया सोलियम, टीनिया सेगिनाटा के इंटरोबियस वर्मेक्यूलरियस, तो कौन कॉज कराता है हुकवर्म इन्फेस्टेशन? तो ये कॉज कराता है नेकेटर अमेरिकनस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल ऑफ एपेटाइट इज द फंक्शन ऑफ, कंट्रोल ऑफ एपेटाइट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, मिडब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा के सेरिबेलम, तो किसका फंक्शन होता है कंट्रोल ऑफ एपेटाइट?
तो एपेटाइट को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कंट्रोल ऑफ एपेटाइट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो किसका होता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सेमिलैंटे, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, लैंटे की आइसोफेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज। पॉइजनिंग अकरिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन इज कॉल्ड एज सार्कोमा, सलाइवेशन, सेलिसिलिज्म के गैंग्रीन। तो क्या बोलते हैं ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन को, कौन सा पॉइजनिंग होता है ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन से, तो ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन से जो पॉइजनिंग होता है उससे बोलते हैं ऑप्शन सी सेलिसिलिज्म, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय, हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन के आयनाइजिंग रेडिएशन। तो किससे स्टरलाइज किया जाता है हार्मोनल प्रोडक्ट्स को, तो इनके स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूमोनिक प्लेग इज, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूमोनिक प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस, ब्रुगला मलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के वुशेरिया बैनक्रॉप्टी। तो कौन सा होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूमोनिक प्लेग, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है न्यूमोनिक प्लेग का यर्सिनिया पेस्टिस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूमोनिक प्लेग इज यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।